हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने इंडियन ज्योग्राफी की एंड इन दिस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। फिर हम लोग फिजियोग्राफी के बारे में देखे थे। इस फिजियोग्राफी के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। फिर उस पेनिनसुलर इंडिया के बाद हम लोग देखे थे हिमालयन सिस्टम एंड देन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने देख रखा है। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी आर गोइंग टू लुक कोस्टल प्लेन्स इन दिस लेक्चर। तो देखेंगे हम लोग इसमें कोस्टल प्लेन्स के बारे में क्या कुछ है, उसके ओरिजिन क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं, हम तक हमारे अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर यूपीएससी कोर्सेज। दीज आर द अवेलेबल यूपीएससी कोर्सेज ऑन यूट्यूब, इनको आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। सो अगर फिजियोग्राफी के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्लाइड के बारे में काफी बार देख रखा है जिसमें हम लोगों ने बेसिकली बात किया था कि जो भी फिजियोग्राफी है दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस फीचर एंड बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी के हिसाब से, टोपोग्राफी के कारण से ही हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन हमें देखने को मिल जा रही होती है। इन डिवीजन में हम लोगों ने पहले पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने हिमालयन सिस्टम के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने इंडो गैंगेटिक या फिर ग्रेट प्लेन्स के बारे में देखा और हम लोग देखने वाले हैं फिलहाल कोस्टल प्लेन के बारे में और एक नेक्स्ट सेशन में हम लोग आइलैंड के बारे में देख लेंगे। स्टार्ट करें अगर आज का लेक्चर के बारे में तो देखिए इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन और ये आपको भी पता है काफी लंबा कोस्ट लाइन इंडिया का है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। एक हो सकता है आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होगी और दूसरी होगी जो आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होगी। एक बार अगर मैप में निगाह मार लें तो देखिए ये आपको पूरी की पूरी मैप दिख जाएगी जहां पर यह हमारी वेस्टर्न साइड हो जाएगी और ये हमारी ईस्टर्न साइड हो जाएगी। वेस्टर्न साइड में जब आप देखेंगे तो बेसिकली पहले आपको रन ऑफ कच्छ दिख जाएगा, फिर उसके बाद से ये आपका कच्छ पेनिनसुला दिख जाएगी, ये आपकी काठियावाड़ पेनिनसुला दिख जाएगी, फिर नीचे आप आएंगे तो आपको मुंबई, देन गोवा, देन कर्नाटक और देन केरल कोस्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ पर कच्छ हो गया, यहाँ पर काठियावाड़ हो गया, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कोंकण के बारे में, फिर गोवा में गोवन बोला जाता है, कर्नाटक में कनारा बोली जाती है और केरल में मालाबार बोली जाती है। सिमिलरली आप ईस्टर्न साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको कोरोमंडल कोस्ट दिखेगा, इसके अलावा आंध्रा प्लेन दिखेगी एंड देन उत्कल प्लेन या फिर उड़ीसा प्लेन दिखना शुरू हो जाएगी। वेस्ट बंगाल के भी कुछ एरिया यहाँ पर आ जा रहे होते हैं। तो ये हमारी मैप भी हो गई। हमेशा आपको मैप कोट करना होता है जब भी आपको आंसर लिखना होगा। वापस से अपने डिस्कशन पे अगर आए तो देखिए हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है आपको ये जानना कि इनका ओरिजिन कैसे हो रहा है। तो फटाफट हम लोग आगे आते हैं, ओरिजिन ऑफ कोस्टल प्लेन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको अभी तक मैंने ये बता रखा है कि ये अगर हमारा इंडिया है, सपोज दिस इज आवर इंडिया एंड दिस इज आवर साउथ इंडिया, तो यहाँ पर हमारी साउथ इंडिया की जो लोकेशन है वो टॉप से आप दिखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी, लेकिन जब आप फ्रंट से देखेंगे तो कैसी दिखेगी आपको, ये आपको कुछ टेपर शेप में इस तरीके से देखने को मिलेगी, जहां पर ये वेस्टर्न साइड आ जाएगा और यहां पर ईस्टर्न साइड आ जाएगा। दिस इज ईस्टर्न साइड, यहां पर आपकी ईस्टर्न घाट इस तरीके से फैली हुई है और ये आपकी वेस्टर्न घाट इस तरीके से फैली हुई है। और पूरी पूरी इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया देखिए कुछ इस तरीके से आ जा रही होती है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो बेसिकली यहां पर हाइट आपकी अच्छी खासी मिलेगी, मतलब दिस इज वेरी हाई हाइट ये अचीव करके रखा हुआ है, जबकि इसके पास लो हाइट ये है। सीधी सी बात है, अगर दोनों में अगर बात करें कि पानी किस में है तो देखिए यहां पर पानी ऑब्वियसली हाइट ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू दिस। अगर एक बार क्लीन करके उसको थोड़ा सा और साफ सुथरे तरीके से देखें तो यहां पर देखिए आपको इस तरीके से बेसिकली हमें टोपोग्राफी फ्रंट वाले साइड की देखने को मिली हुई थी, जहां पर हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर है। दिस कैन बी लाइक 3D स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप 3D स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं जहां पर ये हमारी हाइट हो जा रही है और यहां पर हमारी हाइट कुछ इतनी केवल रह जा रही है। अब देखिए अगर हम लोग एक पनडुब्बी या फिर मान बात कर लेते हैं किसी एक पोर्ट की है, मतलब कि एक तरीके से कह लीजिए कोई जहाज है, तो ये जहाज को जरूरी क्या होगा कि इसके नीचे पानी की अवेलेबिलिटी सफिशियंट अमाउंट में हो, अदरवाइज आर्किमिडीज हमारा हमको नाव नहीं चलाने देगा। तो आर्किमिडीज के कारण से हमें एक वाटर, सफिशियंट वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है और ये सफिशियंट वाटर आपको मिलेगा कहाँ, ऑब्वियसली आपको वेस्टर्न साइड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइट अच्छी खासी है और यहाँ आपको कोस्टल इलाके तक, इस पूरे के पूरे कोस्टल इलाके तक ये हाइट आपको मिलती रह रही है, जिसके कारण से यहाँ पर नेविगेशन, वेस्टर्न साइड में आपको नेविगेशन काफी अच्छा मिलेगा
और यही रीजन है जिसके कारण से वेस्टर्न साइड में नेचुरल पोर्ट सबसे ज्यादा, इनफैक्ट नेचुरल पोर्ट ही पाए ही जा रहे होते हैं। वही अगर बात करें ईस्टर्न साइड में तो देखिए यहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो सफिशियंट वाटर कोस्टल इलाके में नहीं आ पाता है, ये कुछ दूर जाना पड़ा है आपको, कोस्ट इलाके में से दूर जाना पड़ जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर जितने भी पोर्ट वगैरह बनेंगे, जितने भी बंदरगाह बनेंगे वो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल हमें बनाने पड़ जाएंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास अगर ज्यादा नेचुरल पोर्ट हमें वेस्टर्न साइड में मिल रहे हैं तो ये कोस्टल साइड मतलब कि ईस्टर्न साइड में हमें क्यों इतना ज्यादा देखने को मिल जाता है। देखिए ईस्टर्न साइड में आपको जो भी मिलता है वो आपको मेजर पोर्ट मिल रहे होते हैं। अगर टोटल पोर्ट मेजर हो गया चाहे माइनर हो गया चाहे प्राइवेट पोर्ट, अगर तीनों को मिला के देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको वेस्टर्न साइड में ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन यहां पर वेस्टर्न मतलब ईस्टर्न साइड में इतना ज्यादा इसलिए मिल जाता है क्योंकि सपोज अगर मान लेते हैं ये हमारी इंडिया है और यहां पर मान लेते हैं कि आसियान है, तो आसियान के साथ हमारा ट्रेड देखिए पुराना है, हिस्टोरिकल टाइम्स में है। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर चोल डायनेस्टी हुआ करती थी और चोल डायनेस्टी में एक हमारे किंग हुआ करते थे राजेंद्र चोल। ये राजेंद्र चोल जो होते हैं वो इनके साथ में काफी अच्छा इनका ट्रेड हुआ करता था और इस ट्रेड के दौरान में इन्होंने अपने पूरे के पूरे मतलब टेरिटरी में, अपने पूरे के पूरे एरिया में इन्होंने 7 पोर्ट बना के रखी हुई थी, जैसे उसमें से एक विशाखापत्तनम भी है। विशाखापत्तनम हो गई, नागपत्तनम हो गई, या अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आपको हिस्ट्री या रिलेटेड सब्जेक्ट में जीएस में अगर डाउट होता है तो हमारे प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज चल रही है, वहां पर इकोनॉमिक की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली अब धीरे धीरे वो पूरी सीरीज आपको कंप्लीट करा दी जाएगी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए खैर वापस अपने ज्योग्राफी पे आ जाते हैं, तो इनके साथ में काफी अच्छा ट्रेड है और चूंकि हिस्ट्री हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग रही है ट्रेड के लिए तो ये आज भी उतना ही ट्रेड हमारा बना हुआ है। तो इस ट्रेड को बनाने के लिए, और दूसरी यहाँ पर जो ओशियन करंट होती है, ये ओशियन करंट भी हेल्प कर रही होती है हमें इस ट्रेड रूट को चलाने के लिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वाटर वे काफी अच्छा और काफी चीप सोर्स हमें मिल जाता है ट्रेड करने का, तो इस वजह से हमें ईस्टर्न साइड में काफी ज्यादा पोर्ट देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर ये चीज हो गई, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर में हमारा इंडिया की टोपोग्राफी कैसी है और क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारी इंडिया है, ये जो हमारी इंडिया है, इस इंडिया में हमें इस साइड में मतलब गुजरात के साइड में यहां से अरेबियन सी हुआ करती थी, अरेबियन सी यहां से रिसीड की हुई है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी जब हम लोगों ने ग्रेट प्लेन किया है तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और जब हम लोग हिमालय डिस्कस कर रहे थे तो भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे थ्योरी में। तो यहां से अरेबियन सी रिसीड की हुई है, यहां से निकली हुई है, यानी कि ये जो हमारा वेस्टर्न साइड है, इस वेस्टर्न साइड को हम लोग ये बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा सब्सिडेंस के कारण से है, सबसाइड किया हुआ है, सब्सिडेंस है, और जबकि वही ईस्टर्न वाला ये इमर्ज किया हुआ है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो ईस्टर्न वाला साइड है उदय हुआ है, इमर्जिंग कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी टोपोग्राफी है, जहां पर बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल जो होता है वो इमर्ज फोर्ट है, इमर्ज हो रखा है। समझ में आ गया क्या चीज है? तो एक तरीके से जो हमारा वेस्टर्न साइड है ये सबसाइड हो रखा है और जो हमारा ईस्टर्न साइड है ये इमर्ज होके रखा हुआ है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी था ये टर्म। आगे अगर बात करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट द ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया मे बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉल्टिंग एंड सब्सिडेंस ऑफ अरेबियन सी, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया है, ठीक है, एंड वे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ इओसीन पीरियड। अच्छा, ये सारी की सारी जो प्रोसेस हुई है वो इओसीन के पीरियड में हुई है। क्यों? सीधी सी बात है, यहां पर हिमालय भी डेवलप कर रहा था और हिमालय जब जब डेवलप करेगा तभी ये जो अरेबियन सी वाली जो बात है, ये अरेबियन सी वाली बात मतलब अरेबियन सी के रिसीड करने वाली जो बात है वो हो रही होगी। यानी ये जो हमारा इओसीन पीरियड है, यह हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टर्शरी पीरियड है, इस टर्शरी पीरियड में बेसिकली तीन चीजें हो रही थी। एक तो हिमालय उठ रहा था, इसके अलावा हमारा ग्रेट प्लेन भी डेवलप हो रहा था, इसके अलावा हमारा जो ये कोस्टल प्लेन है ये भी डेवलप हो रहा था, और ये तीनों के तीनों हम लोग प्लायोसीन से प्लायोसीन से हम लोग प्लीस्टोसीन में भी देखेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग होलोसीन में भी इसको देख रहे होंगे क्योंकि लगातार इसकी डेवलपमेंट चलती ही रह रही है। क्लियर? तो कॉन्सिक्वेंटली एलुवियल डिपॉजिट अलोंग दीज कोस्ट आर वेरी रिसेंट ओरिजिन रैंगिंग प्लीस्टोसीन टू रिसेंट टाइम, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया। क्लियर हो गया? ओके, आगे अगर बढ़े तो देखिए द गुजरात प्लेन कवर ऑलमोस्ट द इंटायर स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको कि गुजरात प्लेन
पूरा का पूरा गुजरात कवर करता है, लेकिन यहाँ पर तीन पार्ट है बेसिकली। तीन पार्ट क्या, इनफैक्ट दो क्या तीन ही पार्ट कह सकते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया जिसको आप बोलते हैं कच्छ रीजियन, दिस इज कच्छ पेनिनसुला। दूसरा एक रीजन हो जाता है जो काठियावाड़ है, दिस इज काठियावाड़ पेनिनसुला। तीसरी जो एक पार्ट हो जाती है वो आ जाती है इधर प्लेन वाली, जिसको बोला जाता है गुजरात प्लेन, दिस इज गुजरात प्लेन। और ये जो बना हुआ है वो गंगा यमुना या फिर कह लीजिए गंगा और इंडस के ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाया गया है। बात करें अगर तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये सब आप स्किप कर सकते हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज टू मच डिटेल्ड हियर। इट इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ साबरमती, माही, लूनी एंड न्यूमरस टाइनी पैरेलल कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स। पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज द प्रोडक्ट ऑफ डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ द विंड्स एंड रेसेशन ऑफ द सी, जैसा कि अभी अरेबियन के बारे में हम लोगों ने बात ही किया। इट कंटेन्स द गोंडवाना रॉक, जो कि ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चर एंड रिलीफ में डिस्कस ही कर रखे थे कि गोंडवाना रॉक में ही पूरी की पूरी ये सिस्टम डेवलप की हुई है। तो इट कंटेन्स द गोंडवाना रॉक, जो उसमें भी सीरीज कौन सी है, उमिया सीरीज है, अगर आपको याद है इट इज ओके, अदरवाइज आप गोंडवाना रॉक से भी काम चला सकते हैं। रेस्टिंग ओवर द मरीन जुरासिक रॉक एंड कैप्ड बाई लोअर क्रिटेशियस बेड्स, द डेक्कन लावा लाइज ओवर द उमिया सीरीज। क्लियर। आगे अगर बात करें तो देखिए जो ईस्टर्न सेक्शन ऑफ गुजरात प्लेन है, इस प्रोजेक्टेड जेट ऑफ सिंधु गंगा एलुवियल ट्रैक, जैसे कि अभी गुजरात प्लेन के बारे में हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे। दिस प्रोजेक्शन इज आउटकम ऑफ एक्सटेंसिव प्लीस्टोसीन सेडिमेंटेशन। देखिए हुआ क्या था कि जब प्लीस्टोसीन आई सेज आ रखी थी तो उसका इन्फ्लुएंस हमें नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिला था, मतलब कि ये सेंट्रल इंडिया तक आ गया था। अब सीधी सी बात है, अगर ग्लेशियर आएगा, अगर आइस एज आएगा तो उसके लैकुस्ट्रीन मटेरियल या मोरेन जिसको आप बोल सकते हैं, डिपोजिशन तो होना ही होना था। जैसे ही ये डिपोजिशन होगा वैसे ही क्या बन जाएगी, एक गुजरात प्लेन बन जाएगी, और ये गुजरात प्लेन बेसिकली इसी एक्सटेंसिव प्लीस्टोसीन सेडिमेंटेशन के द्वारा डेवलप हुई थी। प्रेजेंट रिवर हैव फर्दर एडवांस दिस डिपोजिशन टू द गल्फ ऑफ खंबात, अमंग द हाईलैंड मेंशन में बी मेड ऑफ अरासुर माउंटेन इन ईस्टर्न गुजरात, राजपीपला हिल्स फेमस फॉर एगेट क्वाटीज, द परनेरा हिल्स इन बलसाड डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से हमारे कई सारे डिस्ट्रिक्ट आसपास के जितने भी हैं, आसपास के जितने भी हिल्स हैं और आसपास की जितनी भी रिवर्स हैं, उन सबको आप कोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको ऑब्वियसली एक अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा क्योंकि आपने अच्छा खासा एरिया दिखा दिया है। इसके बाद देखिए जो डिवीजन हम लोगों ने बात किया, उस डिवीजन के बारे में बात करता है कि जो रन ऑफ कच्छ है वो एक्सटेंसिव ट्रैक्ट ऑफ नेकेड टाइडल मड फ्लोज है। अब एक्चुअली हुआ क्या, ये जो हमारा गुजरात का ये ऊपर कच्छ वाला रीजन है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऐसे डॉटेड डॉटेड बना है। इस डॉटेड डॉटेड का मतलब है ये पूरा का पूरा मड वाटर है। मड वाटर का मतलब ये नेविगेशनल नहीं है, ये नेविगेशनल नहीं है और एक तरीके से सॉल्ट पैन है, दिस इज सॉल्ट पैन। यहाँ पर पानी आकर के जमा होता है, टाइडल वाटर एक तरीके से कह सकते हैं, आके जमा हो रहा होता है और यहाँ पर एक तरीके से पूरी की पूरी जमीन को केवल और केवल फ्लड प्लेन टाइप का बना करके रखा रहता है। द गल्फ ऑफ कच्छ सेपरेट द रन ऑफ कच्छ फ्रॉम द काठियावाड़ पेनिनसुला। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो होता है दोनों को डिवाइड कर रहा होता है और यहीं पर सर क्रीक का इशू एक इमर्ज होकर के आ जाता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री डिस्प्यूट बनी हुई है। द सॉल्ट इन द सॉइल मेक्स द लो लाइंग मार्शी एरिया ऑलमोस्ट बैरन एंड अनप्रोडक्टिव, द वीटेस्ट वर्टिब्रे ऑफ सॉल्ट अपीयर्स एज वाइट बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द ड्राइड क्रीक्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात ही किया इस सॉल्ट पैन के बारे में और यही सॉल्ट पैन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है। तो लाइव क्रीक फ्रॉम डेंड्रिटिक पैटर्न ऑफ ड्रेनेज एंड देयर हैज बीन एसेंचुएशन इन दिस पैटर्न ड्यू टू अर्थक्वेक। साउथ ऑफ द रन लाइज कच्छ फॉर्मली एंड एन आईलैंड विच इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई रन एक्सेप्ट इन द साउथ वेस्ट। तो खैर इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं, ऑलरेडी आप लोग समझ ही रहे हैं, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड फैक्चुअल। वन बाई वन करके अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें, अब वेस्टर्न कोस्ट लाइन के पहले बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ईस्टर्न एंड देन फिर आगे देखेंगे क्या चीज है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया था, दिस इज एक्चुअली सबसाइडेड या सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। इट इज बिलीव दैट द सिटी ऑफ द्वारका, जो कि गुजरात में है, विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड सिचुएटेड ऑल अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, वॉज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। Because of this submergence, it is a narrow belt and provides natural condition for the development of port and harbor. Clear? So natural port, natural condition provide करता है क्योंकि height अच्छी खासी है, subsidence के कारण से बना हुआ है। तो कुछ यहाँ पर port के बारे में बताया गया, जैसे गुजरात से लेकर के ये केरल तक के बारे में बताया गया, जैसे कांडला हो गया, मजगांव हो गया, फिर आपका जवाहरलाल नेहरू port जिसको नहवा शेवा भी बोलते हैं, मरमा गांव हो गया,
मैंगलोर होगी, कोचीन होगी, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ये मेजर पोर्ट के नाम दिए हुए हैं। इसके अलावा देखिए मल्टीपल माइनर और प्राइवेट पोर्ट यहां पर पड़े हुए हैं जिसका नाम याद रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात से केरल तक के लिए। द वेस्टर्न कोस्ट मे बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में, जैसे गुजरात में आप आएंगे तो कच्छ रहेगा, वहीं पर नीचे गल्फ ऑफ कच्छ से डिवाइड करके काठियावाड़ बन जाएगा, फिर नीचे आएंगे तो कोंकण मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में, गोवा में गोंगर कोस्ट मिल जाएगा, फिर उसके बाद कर्नाटक में आपको कनारा कोस्ट मिल जाएगा। दिस इज एक्चुअली कनारा, यहां पर आपको कनारा कोस्ट मिल जाएगी, और उसी तरीके से केरल में आपको मालाबार कोस्ट मिल जा रही होगी। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरो इन मिडिल एंड ब्रॉडर टुवर्ड्स नॉर्थ, क्यों? क्योंकि सह्याद्री की लोकेशन कुछ इसी तरीके से ऐसे फैली हुई है, तो यहां पर देखिए नैरो दिख रहा है और ऊपर जाकर के ये पूरा का पूरा ब्रॉड हो गया है, वाइडर हो गया है। द रिवर फ्लोज थ्रू दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म डेल्टा, यहां पर एक्चुअली डेल्टा नहीं फॉर्म करती है, क्यों? क्योंकि हाइट होती है, हाइट होने के कारण से इनको स्पीड मिली होती है, और इस स्पीड के कारण से ये लोग एस्चुरी बना रही होती हैं। तो आई बिलीव आप लोग को एस्चुरी वगैरह क्लियर होगी, एस्चुरी के बारे में क्या चीज हो रही होती है। चूंकि इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है तो इसलिए ये वाटरफॉल बना रही होती है। वाटरफॉल के नाम पे जैसे जॉग फॉल हो गई या गिरसोपा फॉल हो गई, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रही होती है। जबकि वही ईस्टर्न साइड में जब हम देखेंगे तो वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा होगा और वहां पर वाटर की इतनी स्पीड नहीं बच पाती है कि वो अब वाटरफॉल वगैरह बना सके। आगे अगर बात करें तो देखिए मालाबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स। कयाल्स क्या होते हैं? कयाल बोला जाता है बैक वाटर को। अब ये बैक वाटर क्या होती है? अब जैसे जब आप साउथ में आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगी एक लेक जिसका नाम है, इस तरीके से आपको लेक दिखेगी जो एक्चुअल में केवल और केवल यहां पे पानी इकट्ठा होने के कारण से बन जा रही होती है। इसको बोला जाता है बैक वाटर। जो वाटर एक तो हुआ जो आगे वेव निकल रही होती है, लेकिन एक्शन रिएक्शन सीधी सी बात है, न्यूटन का प्रिंसिपल, तो जो आगे निकलती है उस वॉल्यूम को कवर करने के लिए पीछे से अंदर की ओर भी आ रही होती है, और इसको बोलते हैं हम लोग बैक वाटर। दिस इज बैक वाटर। जैसे वेव्स आगे जाती हैं और बैक वेव्स आती हैं, वैसे ही बैक वाटर्स भी आता है, और ये जो बैक वाटर होता है ये अल्टीमेटली जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उसको लगून भी बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं कि आप कयाल से ये बेसिकली। और ये जो कयाल है वो डेवलप होता है वेम्बनाड लेक में, वेम्बनाड लेक, और इस वेम्बनाड लेक में होता क्या है, एवरी ईयर नेहरू ट्रॉफी वेल्लमकली बोट रेस इज हेल्ड इन पुन्नामार्दा कयाल इन केरला, और इस लेक का नाम, इस झील का नाम रहता है वेम्बनाड लेक। क्लियर हो गया क्या चीज है? जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा होता है। अगर हम लोग कच्छ पेनिनसुला के बारे में बात करें तो देखिए नदर्न प्लेन नदर्न पार्ट इज फर्टाइल एंड पॉपुलेटेड पैरेलल टू द कोस्ट विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर। द इंटीरियर अपलैंड्स कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल ईस्ट वेस्ट एंटीक्लिनल सैंडस्टोन रेंज द चंदूरा एंड ढोला। ग्रेट रन इन द नॉर्थ ऑफ ब्रॉड लेवल ऑफ सॉल्ट सोक्ड प्लेन फ्लैट ब्रोकन सरफेस कंपोज ऑफ डार्क सिल्ट। Little Run lies on the east and southeast of Kutch and now almost cut off from the Great Run. तो ये कुछ इसके बारे में दिया गया, अगेन फैक्चुअल डिटेल है जो आप कुछ खास यहाँ पर है नहीं, आप इसको राइट डाउन करके इसको एक बार याद कर लीजिएगा क्या चीज है। काठियावाड़ पेनिनसुला के बारे में बात करें तो देखिए बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात के पास बेसिकली टू पेनिनसुला है, एक जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये कच्छ पेनिनसुला है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, साउथ वाला है इसको बोला जाता है काठियावाड़ पेनिनसुला। इसके बारे में जब अगर हम लोग देखें, फ्रॉम द कोस्ट ऑफ काठियावाड़ राइजेस द सेंट्रल टेबल लैंड विद सम हाई हिल्स इंक्लूडिंग गिरनार। अब यहां पर गिरनार, गिर हिल्स भी जिसको बोलते हैं, विच वॉज लॉन्ग बिलीव टू बी एन ओल्ड वोल्केनो। फर्दर साउथ द गिर रेंज विथ इट्स डेंस फॉरेस्ट हैविंग बारदा हिल्स ऑसम हिल्स ऑल आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। तो ये इलाके वोल्केनिक हो जा रहे होते हैं। वोल्केनिक होने के पीछे आप बहुत आराम से इन चीजों को बता सकते हैं, जैसे ये हमारी ओशियानिक प्लेट हो गई और ये हमारी कोस्टल प्लेट हो गई, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमारी ग्रेनाइट प्लेट हो गई, ग्रेनाइट प्लेट। अब देखिए कोस्टल प्लेन ऑब्वियसली मतलब कि ओशियानिक प्लेट ये भारी होती है तो नीचे की ओर जाएगी, नीचे जाएगी तो एक्स्ट्रा प्रेशर, प्रेशर के कारण से अगेन टेम्परेचर ये पिघलेगा, पिघलने के कारण से फिर वोल्केनिक इरप्शन कर देगा, ऐसा आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता रहा होता है। तो आपको एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही। इस दौरान में आप बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे कोस्टल इलाके हैं वो सारे इलाके वोल्केनिक हो सकते हैं, उन सारे इलाकों में अर्थक्वेक आना बहुत ही नॉर्मल सी चीज पाई जा रही होती है। समझ में आ गया।
आगे अगर बात करें तो देखिए गुजरात प्लेन के बारे में है कि ईस्ट ऑफ काठियावाड़ स्ट्रेट, जैसे कि अब हम लोगों ने दो चीज के बारे में बात कर लिया, इस वाले रीजन के बारे में, इस वाले रीजन के बारे में। नाउ दिस रीजन के बारे में अगर बात करें तो प्लेन ऑफ काठियावाड़ स्ट्रेच इज इट कंप्राइजेस कोस्टल प्लेन बॉर्डरिंग द गल्फ ऑफ कैम्बे एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ प्लेन। नॉर्थ पार्ट ऑफ द प्लेन इज ड्रेन्ड बाय बनास सारस्वती इनटू लिटिल रन एल्सवेयर द प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय साबरमती माही नर्मदा राप्ती ताप्ती एंड ऑल दैट। ये सारी है। अगर इस रीजन के बारे में बात करें तो यहां पर दो तरीके की सॉइल पाई जाती है, एक पाई जाती है रेड एंड येलो टाइप की और दूसरी ब्लैक सॉइल टाइप की सॉइल पाई जा रही होती है। कोंकण कोस्ट के बारे में अब जरा नीचे आते हैं और यहां पर बात करेंगे तो कोंकण कोस्ट आ जाता है। कोंकण में इट स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्थ ऑफ गोवा टू दमन एंड दीव, मतलब दमन के साइड में, फिर बैतरना एंड उल्हास रिवर यहां पर पाई जा रही होती है। देखिए ये सारी जो जितनी भी रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, आप लोग ऑप्शनल के हैं इस वजह से आपका नाम, इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका कोस्ट के बारे में बात करें या जिसको हम लोग कनारा कोस्ट भी बोल रहे होते हैं, ये दिस इज ऑल्सो नोन एज कनारा कोस्ट, ठीक है, इसको नाम लिख लीजिएगा कनारा कोस्ट। यहां पर क्या है, इट इज 225 किलोमीटर लॉन्ग, वाइडर इन साउथ देन इन नॉर्थ। सरस्वती रिवर ड्रेन्स दिस पार्ट, शरावती रिवर सॉरी ड्रेन्स दिस पार्ट विथ गिरसोपा फॉल, क्लियर। अब देखिए केरला प्लेन लास्ट में आ जाएंगे हम लोग। इट एक्सटेंड फ्रॉम कन्नूर टू केप कॉमरिन विद एवरेज विथ ऑफ 25 किलोमीटर। द बैक वाटर हैव बीन कनेक्टेड विद कैनाल्स एंड सर्व एज वाटरवेज कनेक्टिंग तिरुवनंतपुरम विद टायरस लेक। यहां पर अष्टामुडी हो गई या फिर वेम्बनाड वगैरह हो गई, यहां पर कुछ इस तरीके से लेक आ जा रही होती है। ईस्टर्न कोस्ट लाइन के बारे में बात करें तो देखिए हम लोगों ने अभी ही बात किया है कि ईस्टर्न कोस्ट लाइन ये इमर्ज के द्वारा हुआ है, इसलिए यहां पर कुछ खास नेचुरल पोर्ट नहीं बन पाते, यहां पर बेसिकली हमें आर्टिफिशियल बनाना होता है। बनाना भी क्यों है, यहां पर देखिए इतिहास थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। इस साइड में एक्चुअली चोल गवर्नमेंट हुआ करती थी, चोल डायनेस्टी। इन चोल डायनेस्टी का मलेशिया के साथ में या कह सकते हैं कि आसियान के साथ में काफी अच्छा एक रिलेशन था और तब से आज तक ये पोर्ट जो है डेवलप हो रखा था। ये चोल डायनेस्टी ने 7 पोर्ट अपने पूरे के पूरे डायनेस्टी पूरे के पूरे टेरिटरी में इसने बना के रखे हुए थे। नंबर ऑफ पोर्ट थे, जैसे विशाखापट्टनम हो गए, नागापट्टनम हो गए ना, ऑल दैट, बहुत सारी इस तरह से पोर्ट हुआ करती थी। क्वेश्चन ये उठता है, कैन वी कोट दीज हिस्टोरिकल इवेंट इन ज्योग्राफी? यस यू कैन कोट। क्यों? क्योंकि दीज आर सपोर्टिंग फैक्ट और इस सपोर्टिंग फैक्ट का बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है कि यू कैन नॉट यूज द सपोर्टिंग फैक्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए, तो हमारे पास ये कुछ रिलेशन हमारे आसियान के साथ में बहुत पहले से बने हुए हैं जिसको हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। साथ में ट्रेड हमें आसियान के साथ हमारा ज्यादा है और हमारा जो ट्रेड का सबसे चीपेस्ट मोड होता है वो होता है वाटरवे। तो हमें अल्टीमेटली देखिए आर्टिफिशियल तरीके से तो बनाना ही पड़ जाएगा किसी भी तरीके से। तो एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट। देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज हियर फॉर्म्ड बाय रिवर फ्लोइंग ईस्टवर्ड इन द बे ऑफ बंगाल। कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे जितने भी ईस्टवर्ड फ्लोइंग होते हैं वो डेल्टा बना ही रहे होते हैं। दीज इंक्लूड द डेल्टा ऑफ महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया एंड ऑल दैट जितनी भी है। बिकॉज ऑफ दिस इमर्जेंट नेचर इट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट एंड हार्बर। द कंटिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर इन द सी विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट एंड हार्बर। अब देखिए यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि इट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट एंड हार्बर, लेकिन अब अगर आप देखेंगे अगर नंबर ऑफ पोर्ट के बारे में तो आपको ज्यादा दिखेंगे कि आपके ईस्टर्न साइड में है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इसके क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखिए जो ईस्टर्न साइड में बने हैं वहां पर ज्यादा पोर्ट नहीं है। आप लोग जो याद कर रहे होते हैं वो मेजर पोर्ट होते हैं, माइनर पोर्ट के बारे में आपको याद ही नहीं करना होता है। और जब आप माइनर प्लस मेजर और प्राइवेट तीनों पोर्ट को देखेंगे तो आपको वेस्टर्न साइड में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में केवल मेजर पोर्ट इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो ज्यादातर आपको ईस्टर्न साइड से मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ईस्टर्न साइड में जब हमें देखेंगे, अब देखिए यहां पर हमारे बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह है, चाहे मलेशिया आसियान एंड ऑल दैट, बहुत सारी यहां पर है। यहां पर क्या है, जो ओशियन करंट भी चल रही होती है वो देखिए इस तरीके से चल रही है तो ये सपोर्टिंग हो जाती है। यहां पर अगर मान लीजिए आपकी जहाज आ गई तो जहाज आने से क्या है, ये अपने आप यहां पर आपका घूम करके चला जाएगा और आपको यहां पर तमिलनाडु में, चाहे फिर आपका आंध्र प्रदेश में या फिर यहां उड़ीसा में आराम से आकर के टक्कर मारेगा और टक्कर मारने के साथ आपको चीपेस्ट मोड के सहारे से चीपेस्ट तरीके से आपको सामान पहुंचा देगा। तो यहां पर जो ओशियन करंट्स होती हैं ये भी काफी ज्यादा हेल्प कर रही होती हैं, इसीलिए हम लोग अपने ईस्टर्न साइड को ज्यादा डेवलप किए हुए हैं, आर्टिफिशियल बना करके रखे हुए हैं।
भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर आप पेट्रोल अपना नहीं लगा रहे हैं, आपको आसानी से निकल जा रही है चीजें, तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी। बेसिकली यहाँ पर ओशियनिक करंट की भी थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग बात कर लिए हैं, दिस इंक्लूड द डेल्टा ऑफ एनॉल दैट, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस ही कर लिए हैं। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर इन द सी विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट एंड हार्बर। चलिए खैर, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश द ईस्ट कोस्ट इज कॉल्ड पय्यम घाट एक्सटेंडिंग फ्रॉम केप कॉमरिन टू कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ लगून्स एंड बैक वाटर सम ऑफ विच आर लिंक्ड अप बाय द बकिंगहम कैनाल। पुलिकट लेक नियर मद्रास इज अ लगून नाउ सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय द श्री हरिकोटा आईलैंड। तो देखिए ये सब फैक्चुअल डिटेल है जो आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ से साउथ में अगर जाएंगे तो कोस्टल प्लेन हैज डेजिग्नेटेड उत्कल प्लेन, आंध्रा प्लेन एंड तमिलनाडु प्लेन। इन उत्कल प्लेन साउथ ऑफ महानदी डेल्टा को बोला जाता है चिल्का लेक। द टू रिवर्स भार्गवी एंड दाया ड्रेन इनटू इट। गोदावरी एंड कृष्णा फ्लोस थ्रू आंध्रा प्लेन एंड फ्रॉम डेल्टा। तो ये सब देखिए आपको अगेन फैक्चुअल डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। इन तमिलनाडु द कावेरी रिवर इज डिवाइडेड इनटू टू चैनल एट द आईलैंड ऑफ श्रीरंगम। देयर इज अ मार्शी एरिया अलोंग द सदर्न फ्रिंज टू द डेल्टा इन द टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट कैलिमर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा ये हमारा सीन। सो दिस इज एंड ऑफ आवर टूडेज लेक्चर। यह हमारे पूरे के पूरे कोस्टल प्लेन के बारे में था। तो आई होप आप लोगों को पूरी चीज एक क्लैरिटी के रूप में आ गई होगी। हम लोगों ने सारा का सारा डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने पेनिनसुलर इंडिया डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने बाकी चीजों को भी डिस्कस कर लिया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस आईलैंड के बारे में। तो आईलैंड के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक लिखी गई है, रखी गई है, वहां पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।